लंबी चौड़ी औरत खड़ी हुई, चेहरा उसका नजर नहीं आया, सारे बाल उसके आगे की तरफ आए हुए, लेकिन उसके बाजू भी पीछे की तरफ मुड़े हुए, पांव भी पीछे की तरफ मुड़े हुए। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज होती है ये इनके खाने की चीज होती है। और फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो, और द भूत शो की एक और सनसनी की स्टोरी के साथ मैं हूं आशी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या सुना रहे हैं आज? आज सुना रहा हूं जी के जब जानवर कोई रोता है तो उसको क्या नजर आता है। तो जानवर बहुत है तेरे पास, परिंदे भी बहुत हैं, जानवर भी बहुत हैं। वो कल से तुझे ना, वो जो डोनट है हमारे घर में, अगर आपको पता नहीं है डोनट के बारे में तो आशी डेली ब्लॉग्स भी देख लीजिएगा। ब्लैक कलर का हमारे पास जर्मन शेपर्ड एग, वो आजकल वो यही कर रहा था। अल्लाह खैर करे। अच्छा फिर जी, मैंने एक स्टोरी में पहले भी बताया कि बच्चे, बिल्ली और कुत्ते, इनको ये चीज़ें नज़र आती हैं और फिर रोते हैं। और गधों को शैतान नज़र आते हैं, मतलब जिन्नात ही नज़र आते हैं लेकिन एक शैतान की किस्म में वो नज़र आते हैं गधों को। वो उस पर वो भागते हैं। ठीक है, एक आशी की तरह का बंदा था, ठीक है, और आशी शादीशुदा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो शादीशुदा नहीं था, कंवारा था। उसने अपने पास एक कुत्ता पाला, बड़े शौक में वो कुत्ता ले आया, और बच्चा था उसको बड़े प्यार से मोहब्बत से वो पालता था उसको। कभी बीमार भी होता था तो ले जाता था उसको, दवा ववा करवा के ले आता था। एक टाइम आया उसको रोज रात को उसके कुत्ते की रोने की आवाज़ें आती थी। पहले तो इसने उसको नॉर्मल लिया कि यार ये मतलब क्यों रोता है, समझ में नहीं आती। एक रात ही उठा, इसने देखा कि कुत्ता उसके घर के एक कोने की तरफ मुंह करके वो रो रहा है और आवाज़ें निकाल रहा है, भौंक नहीं रहा, वो रो रहा है। ये परेशान हो गया, कुत्ते ने इसको देख के भौंकना शुरू कर दिया, मतलब मालिक को देख के भौंकना शुरू कर दिया। ये डर गया, इसने बोला क्या हो गया भाई, आवाज़ दी, गया पास गया तो इसको काटने को दौड़। खैर इसने बोला लगता है इसका दिमाग अभी ख़राब है, गुस्से में, छोड़ दे इसको। ये चला गया कमरे में और ऐसे ही किया जाता है, कुत्ता थोड़ी देर में खामोश हो गया। सुबह जब हुई ये कुत्ते के पास गया तो कुत्ता नॉर्मल था बिल्कुल, कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन कुत्ते की एक आँख पे हल्का सा एक स्क्रैच आया हुआ था, आँख के अंदर जिस तरह कोई रगड़ आए, हम मसलते हैं आँख को और जो है वो लाल निशान हो जाता है, तो उस लाल निशान के साथ एक स्क्रैच आया था। इसने उसकी आँख देखी, ये परेशान हो गया। इसने बोला रात इसने या तो अपना पाँव मारा है, हाथ मारा है, कुछ किया है, उसमें इसको लगी है। ये ले गया उसको डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा ये कब से? तो इसने बोला कल तक तो ठीक था, ये रात ही शायद कुछ हुआ है, सुबह में इसकी आँख ये हो रही है। लगा ये तो इसको डेढ़ महीने से लग रहा है मुझे, इतना पुराना इन्फेक्शन है। उसने बोला नहीं नहीं डेढ़ महीने का तो है नहीं। मेरा डॉक्टर ने उसको मेडिसिन वगैरह दी, ये वापस कुत्ते को घर ले आया, खाना वाना खिलाया, शाम हो गई, रात हुई तो इसने कुत्ते को उसी जगह बांध दिया और खुद अपने कमरे में चला गया। अब इसको उस रात भी कुत्ते की अजीबोगरीब आवाज़ें आई, कभी रो रहा है, कभी बार्क कर रहा है, कभी चीखने की अजीब सी आवाज़ें। एक पल के लिए इसको फील हुआ कि कुत्ते के मुंह से इंसान की आवाज़ निकल रही है। अच्छा, जैसे इंसान किसी चीज़ को बुलाता है आवाज़ देकर, तो इसने उस कुत्ते की आवाज़ में अपना नाम सुना।
इसने अपने आप को होशियार किया, बोला ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रो रहा है, मैं जाके देख लेता हूँ। ये चला गया उसके पास। जब उसके पास गया तो इसने देखा कि कुत्ता वही उसी दीवार पर उसी कोने पर मुंह करके और भौंक रहा है, लेकिन अपनी दो टांगों पे खड़ा है और दो ऊपर है, मतलब जिस तरह से कुत्ते हैं। और कुत्ता ज्यादा देर तक इस तरह से खड़ा होता नहीं और वो कंटिन्यू खड़ा है। ये गया, इसने जाके उसको हाथ लगाया, वो नीचे हुआ और इसको देख के और भौंकना शुरू कर दिया, बताने के लिए कि सामने कुछ है। अब इसने देखा इधर उधर कुछ नहीं है, इसने लाइट ऑन की, देखा कुछ नहीं है। जिस जगह कुत्ता बार्क कर रहा था, भौंक रहा था देखकर, ये उस जगह जाके खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ तो इसको लगा किसी ने इसको जोर से धक्का दिया और ये जाके कुत्ते की तरफ गिरा है। अब इसको अंदाजा हो गया कि यहां कुछ है, ये कैसे हो। ये डर के मारे वहां से भागा अपने कमरे में और जाके कमरे में अपनी वो पढ़ना शुरू कर दी, आयतें वायतें। लेकिन इसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई, इसके पीठ पे शदीद जलन का एहसास हुआ। इसने कमीज उतार के देखा तो पीछे ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत बड़े जानवर ने इसको पंजा मारा, पूरी एक 5-6 उंगलियां इस तरह से। मतलब जैसे अगर कुत्ते ने भी अगर हो सकता है इसको यूं पंजे वाला हाँ निशान। पंजे, लेकिन वो बहुत बड़ा था, ओके कुत्ते का नहीं था। खैर, इसने जाके क्या किया कि पीठ वीठ साफ की अपनी, उस पर जलन हुआ, गया माँ के पास, माँ को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। माँ ने इसको क्रीम व्रीम लगाई, फिर माँ ने इसको बोला कि तेरे साथ कैसे हुआ है। तो इसने बताया कि माँ कुत्ता इस तरह से कर रहा है 2-4 दिन से, और अजीबो गरीब मैं इसको लेके भी गया हूँ और आज मेरे साथ ये हादसा हुआ। माँ ने बोला कि माँ इसकी नमाजी परहेजगार, कहने लगी मैं तुझे कहती हूँ कि कुत्ता घर पे नहीं रखो, लेकिन तू मानता नहीं है। तो कहने लगा क्यों, क्या हुआ। कहने लगी रोज एक औरत आके मेरे पैरों के पास खड़ी होती है, कहती है कि इसको यहां से निकालो। अब कहना लगा कि माँ मैं तो नहीं निकालूंगा इसको, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं तो इसको नहीं निकाल सकता, आपको पता है। तो माँ ने कहा कि बेटा देखो, इसको वो औरत मुझे ऐसा लगता है कि मैं ख्वाब में आती है, ठीक है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि ये चीज़ सही नहीं है। तो बोला माँ ऐसी टोपी करवा रही है क्योंकि माँ को पहले ही पसंद नहीं था, माँ वैसे ही नमाजी परहेजगार है, उसको इन चीज़ों से कोई लगाव है नहीं, तो माँ जो है ना मुझे टोपी करा रही। ये जाके नॉर्मल ऑफिस हो गया, कुछ भी नहीं है, सही है। कुत्ते का भी भौंकने का वो सारा सब सिस्टम बंद हो गया। जब ये सोया तो इसको किसी ने पाँव के दोनों अंगूठों से हिला के उठाया। जब इसकी आँख खुली, उठ के बेटा देखा तो सामने एक लंबी चौड़ी औरत खड़ी हुई, चेहरा उसका नजर नहीं आया, सारे बाल उसके आगे की तरफ आए हुए, लेकिन उसके बाजू भी पीछे की तरफ मुड़े हुए, पांव भी पीछे की तरफ मुड़े हुए। अब वो बाल आगे हुए, ये नहीं पता कि उसका चेहरा पीछे था या आगे था, लेकिन जो फील हो रहा था वो फील ये हो रहा था कि उसका चेहरा बालों के पीछे, बालों के पीछे। मतलब यू हाँ, तो ये कहने लगा कि मैं उठ के बैठ गया झटके से कि ये क्या मुसीबत है। मैंने जोर जोर से अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू कर दिया, कल में पढ़ना शुरू कर दिया। वो औरत वहीं खड़ी रही थोड़ी देर और उसके बाद आंखों से ओझल हो गई। कहने लगा मैं, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि माँ के पास जाऊँ, लेकिन मैं जैसे तैसे करके भागा माँ की तरफ, माँ को बताया। माँ ने कहा कि मैंने तुझे बोला था कैसा है। कहने लगा ठीक है माँ, मैं सुबह में इस कुत्ते को निकाल दूँ। निकाल दूंगा। अलग ठीक है। सुबह हुई, इसने नाश्ता वाश्ता किया। अब इसने सोचा कि मैं कुत्ते को खाने को देता हूँ, ये कुत्ते के पास खाने के लिए लेके गया तो कुत्ता मरा हुआ था। अब इसने क्या किया कि जी कुत्ते को चेन वेन से खोल के और फिर इसके दफनाने को और एक चीज को उसने वो सोचा कि मैं ये कर लेता हूँ, ये इसने कर लिया, कुत्ता मर गया वहां पे। इसको बड़ा सदमा लगा हुआ, दुख लगा हुआ। रात को जब ये सोया तो
तो इसको दोबारा उस कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें शुरू हो गया था। ये परेशान हो गया कुत्ता, तो सुबह मर गया, ये कौन भौंक रहा है? वो उसी तरीके से रो रहा है, उसी तरीके से भौंक रहा है जैसे बड़ी अजियत में हो, तकलीफ में हो। ये भागा वहां पर जहां पे इसने बांधा हुआ था, वहां पे देखा कि वो औरत और उसके साथ कुछ और बच्चे वो उस कुत्ते को खा रहे हैं। औरत जो उसके ख्वाब में जो जो सामने आई, जो ख्वाब नहीं था, वो इसके सामने खड़ी थी वो। अच्छा, वो औरत और उसके बच्चे उस कुत्ते को खा रहे हैं जिसको ये पहले ही कहीं दफना किया है। ये वहां से भागा माँ के पास, माँ ने इस पे दम वम किया कि तुझे क्या हो गया है, तूने क्या देखना शुरू किया है। माँ के पास ये सो गया, लेकिन इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। अब इससे दूसरे दिन से बड़ा वियर्ड एक्ट करना शुरू कर दिया कि इसके दिमाग पे वो कुत्ते की बात इतनी हावी हो गई कि इससे अगर इसकी माँ या बाप या कोई कोई बात करता था तो ये भौंकना शुरू कर देता था। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला यार इसके दिमाग पे काफ़ी असर पड़ा है, इसको साइकेट्रिस्ट को दिखाते। साइकेट्रिस्ट के पास गए, उसने बोला आपका बच्चा बिल्कुल सही है, और मिले मैं फिर भी दवाएं दे देता हूँ, लिख के आप दवाएं इस्तेमाल करो। दवाएं दे दी, वो दवाएं लेके घर आ गए। अब इसकी तबीयत और मज़ीद ख़राब होती जाए तो इसके बाप ने बोला कि किसी आमिल वामिल से रुजू करते हैं, देखते हैं कोई और मसला लग रहा है, तो ये तो तबीयत ख़राब होती जा रही है इसकी। फिर इन्होंने किसी से मशवरा किया, जब वो इनके घर पर आया तो उसको ये औरत सामने नजर आई। इस औरत ने बोला कि इस जगह पर ये गलाजत करता था, गंद करता था, कुत्ता बन रहा था, हमने इसको मना किया, इसने नहीं, ये नहीं मुड़ा, यहाँ पे पेशाब करता था, ये करता था, वो करता था, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने आमिल ने बोला भाई कोई रास्ता निकालो, बच्चा है, हो गया, ठीक है, सबसे होती है। उसने बोला ठीक है, इसको बोलो ये जितना भी फर्ज है यहाँ पे 40 दिन ये रोज रात को सोने से पहले चाटेगा। आमिल ने बोला क्या हो गया? बोला अगर इसने एक दिन भी अमल नहीं किया तो फिर हम इसको मार देंगे। आमिल ने उसको बोला भाई तुझे ये करना पड़ेगा, कुछ तावीज़ दिए कि ज़्यादा नुकसान ना हो। उस बंदे ने 40 दिन जहाँ पे कुत्ता बांधा हुआ होता था वो जगह रात को सोने से पहले चाटता था। 40 दिनों के बाद उसकी जाके तबीयत सही हुई। तेरे पास कुत्ता है ना बेटा, तू भी अपना वो देख ले, तेरे पास तो 3 जगह पर तेरी छत भी बड़ी है, तो कितनी चाटेगा? जहां में डोनट को मैंने बांधा हो तो चारों तरफ। हाँ, इतनी जुबान भी नहीं मिली चाटने के लायक। पर ये नो कमेंट्स, तूने जानबूझ के किया नहीं। कुत्ते की आवाज ने बस खाम खाई पूरे घर को हिला दिया यार, बस खाम खाई। हमारे पास तो डोनट रोज करता है। सही, ठीक है, तुम्हारे पास एक डोनट पहले भी था। यस, और उस बात को मैं छेड़ना नहीं चाह रहा तो उसको ख़त्म कर दूँगा। एक डोनट हमारे पास पहले भी था, मतलब ऐसे कि वो मेल डोनट था, फिर वो उसकी डेथ हो गई और वो बीमार था। खैर वो बीमार था और उसका हमने बहुत इलाज करवाया, हर जगह लेकर गए, भागे दौड़े, ये वो आखिर में बिल्कुल ठीक हो गया था ना। वो ठीक होने से मतलब वो एक दिन बिल्कुल ठीक हो गया और हम एक रिकॉर्डिंग में थे, वहाँ पर फ़ोन आई आशी के बेटे की, ओन की, कि बाबा डोनट फ्लाई कर गया। लेकिन खैर वो बहुत, मैं घर गया तो सब बच्चे बच्चे रो रहे हैं और ये हो गया फला हो गया, हमने इसका बहुत ख्याल रखा। खैर फिर थैंक्स गॉड के दूसरा ही डोनट आ गया उसी की तरह का। थैंक्स जिसने दिया उसका थैंक्स। तो ऐसे है कि वो डोनट फिर दूसरा हमारे पास आया, हमने अब वो बिल्कुल सेट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन ये किस्सा तो ने शर्त गलत बताई थी चाटने वाली, तो तेरे लिए शर्त चेंज कर लेता हूँ। अल्लाह रहम करेगा भाई, हर किसी को अपनी हफ्ज़ में रखे। मैंने कुत्ता जो पाला हुआ है वो रखा हुआ है सिक्योरिटी के लिए, तो इतना बड़ा हो जाए उससे बड़ा है कुत्ते से।
अभी बड़ा हो जाएगा ना, वो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, तो उनके साथ हिल जाएगा, सेट हो जाएगा, सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से उन्होंने रखा है। तो ठीक है, बहाने तो आदमी कुछ ही बना सकता है। वेल, कुत्ते के हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास घर में शुरू से ही कुत्ते रहे हैं, शुरू से ही कुत्ते रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर इस खिड़की के बाहर एक बड़ा गेट हुआ करता था, उसको हमने भी बंद करवा दिया। उस गेट के साथ हमारा एक लेब्राडोर हमारे पास कुत्ता हुआ करता था, और जर्मन शेफर्ड था। जर्मन शेफर्ड तो वो सारा वक्त रहा है, लेकिन लेब्राडोर हमारे पास एक ही था। और वो लेब्राडोर, कहते हैं कि लेब्राडोर डॉग बहुत फ्रेंडली है, लेकिन ये डॉग ऐसा हुआ करता था कि ये उस गेट की तरफ बंधा होता था और वहाँ से किसी को गुजरने नहीं देता था। क्योंकि यहाँ पर जिस इलाके में हम लोग जब शिफ्ट हुए थे, तो हम छोटे छोटे से थे और चारों तरफ जंगल था, जंगल ही जंगल। हार्डली कोई 10-12 फैमिलीज होंगी, घर होंगे। नहीं, जब हम शिफ्ट हुए तब कुछ भी नहीं था। नहीं, ओवरऑल कासमाबाद की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे होगा, पूरा इतना बड़ा इलाका है। अच्छा, उसके बाद वो कुत्ता वहाँ से किसी को गुजरने नहीं देता था। एक दिन किसी ने उसको कुल्हाड़ियों से, उसको बड़े ज़ोर से उसको ज़र्ब दिए और ज़ख्मी हो गया बड़ा। हमने उसका इलाज उलाज करवाया, बिल्कुल ठीक हो गया वो। उसके बाद फौरन उसको किसी ने रोटी में जहर डालकर ना दे दिया, तो उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद हमने उस कुत्ते को, मतलब ऑफकोर्स वो तो डेथ हो गई, लेकिन एक होता ना कि जैसे आपने बताया कि वैसे वैसे ही कुत्ते की भौंकने की आवाज़, मतलब उसकी आवाज़ हमें घर तक अंदर आती थी, वैसी ही आवाज़ हमें वहाँ से, पता नहीं कितने साल तक हमें वो आवाज़ें आती थी। हम बाहर जाके देखते थे कि यार कहीं वाकई अब्बू ने मजाक तो नहीं किया है, हो सकता है किसी को दे दिया हो, क्योंकि हमने इसको मरा हुआ देखा नहीं था। अब्बू ने उन्हें मना कर दिया, भाई अंदर जाओ अंदर जाओ। तो हमने काफ़ी वक्त तक उसकी आवाज़ें सुनी। अब आई डोंट नो कि शायद बाहर के मोहल्ले के कुत्ते हों, कुछ भी हो, लेकिन जिससे लगाव हो जाता है तो वो चीज़ें दिमाग, दिल और दिमाग में बैठ भी जाती हैं, इस तरह भी होता है। वेल, आज आप लोगों को हमारी स्टोरी का सेशन कैसा लगे हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ईमेल मिल जाएगी, हमें शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत। ये जो चीज होती है, ये इनके खाने की चीज होती है।